आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे पॉपअप लॉगिन फॉर्म। तो आप चीज़ देख सकते हो, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ देन एज एन पॉपअप मेरा लॉगिन फॉर्म अपीयर होता है। तो इस चीज़ को आज हम क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल एंटर करी एंड देन एक पासवर्ड, यहाँ पर सबमिट बटन है एंड देन आखिरी में पासवर्ड। इस चीज़ को क्रिएट करते हैं साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मेरे गिटहब, आप गिटहब पे हो तो देन प्लीज़ फॉलो। अब सीधा इसे क्रिएट करते देन हैं। सबसे पहले मार्कअप की बात करते हैं। बेसिक सिंटैक्स लिखा विद द हेल्प ऑफ एमिट। टाइटल की बात किया है, टाइटल दिया है पॉपअप लॉगिन फॉर्म, जो कि वीडियो का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद लिंक करते हैं अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस एंड देन बॉडी की बात करते हैं डिव ऑफ क्लास सेंटर, जिसके अंदर मेरे पास एक बटन रहेगा जिसकी मैं आईडी दे रहा हूँ साइन लॉग इन। तो आप समझ रहे होगे, जब इस पर क्लिक करूँगा देन मेरे पास मेरा लॉगिन फॉर्म आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक पॉपअप चाहिए मेरे को, तो मैंने डिव ऑफ क्लास पॉपअप, जिसके अंदर मेरे पास एक रहेगा क्लोज बटन। तो क्लोज बटन आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये क्लोज करेगा सिस्टम को। तो यहाँ पर एट द रेट टाइम्स दिया है, जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जब कभी भी आपको सिंबल चाहिए। तो मैंने एक सिंबल रिप्रेजेंट किया है। देन एक हेडिंग देता हूँ मैं सीधा लॉग इन, या फिर आप स्पेस दे के लॉग इन कर सकते थे। देन आगे इसके अंदर मैं एक फॉर्म दूंगा, फॉर्म एक्शन नथिंग, बिकॉज बैकएंड नहीं कर रहे हम, एंड देन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे। मेथड विल बी पोस्ट एंड देन फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक फॉर्म एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर मैं एक लेबल लगाऊंगा, लेबल किस लिए होगा, ईमेल के लिए। तो ईमेल एंड देन इस चीज़ को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद टाइप करके पेस्ट एंड देन इनपुट करेंगे फॉर ईमेल। ईमेल के अंदर आप आईडी के अंदर, सॉरी आईडी के अंदर आप ईमेल पेस्ट कर देना एंड देन प्लेस होल्डर की बात करते हैं। तो सीधा लिख दिया एंटर ईमेल। अब आपको पता है कि एक में तो आप ईमेल मांग रहे, तो ऐसे ही आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिख दो पासवर्ड एंड देन पासवर्ड को सीधा कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट एंड देन यहाँ पेस्ट एंड देन यहाँ आपको प्लेस होल्डर भी चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको, आप खूब इंटेलिजेंट हो भाई, आप पता लगा लिया कहाँ पर गलती थी। अब पासवर्ड मांग लिया और यहाँ पर एक मैं रिमेम्बर का बॉक्स बनाना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें रिमेम्बर भी रहे कि मैं क्या चीज़ किस चीज़ के लिए, कि आपको पासवर्ड याद है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट ऑफ चेक बॉक्स, बिकॉज हम टिक राइट के फॉर्म में देंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमेम्बर मी स्पेस करके एंड देन आईडी जो हमारी रिमेम्बर मी है, इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं एंड देन फॉर के लिए आप ये दे सकते हो और ये स्पेस इसी चीज़ के लिए भी। तो इसमें तो सिंपल स्पेस दे देता हूँ। अब एक ये हो गया हमारे रिमेंबर के लिए एंड देन इस चीज़ को सबमिट भी तो करना पड़ेगा भाई। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट ऑफ सबमिट बटन क्रिएट करूँगा। सबमिट के अंदर एक वैल्यू सबमिट ही दे देते हैं, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट होगी। आगे बात करते हैं, एक एंकर टैग हम मैं रखना चाहूँगा। तो इस चीज़ को डबल करते हैं, इनपुट को हटाओ, एंकर टैग लगाओ जिसमें नथिंग एंड देन यहाँ पर आप लिखो फॉरगेट पासवर्ड, जिसके अंदर आप आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इसे ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर से, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते थे। तो मैंने इंटरनल सर्वर ओपन किया है, जिसके अंदर अभी आपको बताते जाऊंगा। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैंने यहाँ पर बाहर से खिसकाव 0 रखा है, अंदर से खिसकाव 0 रखा है। फॉन्ट फैमिली विल बी सेंसरी, मीन्स लिखावट आप कैसे भी रख सकते हो, एरियल बाय डिफॉल्ट रहती है। बॉक्स साइजिंग रखी है मैंने बॉर्डर बॉक्स, मीन्स जितनी मैंने विड्थ एंड हाइट दे दी उससे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेगा आपका कंटेंट। देन अब सीधा बात करते हैं बॉडी की। बॉडी के अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने क्रोम पे आ जाता हूँ। क्रोम पे है www.webgradient.com, इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे एग्जैक्टली। देन यहाँ से मैं एक अपना फेवरेट कलर चुन लेता हूँ। तो अभी के लिए आप बताओ इन दोनों में से, मेरी तरफ से तो ये फेवरेट है भाई, अपना कमेंट करके बता देना आपको कौन सा फेवरेट लगा था। अब आप चीज़ देखो, ये बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ, विल बी सॉरी कवर, कवर की बात किया एंड देन इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक हाइट भी डिफाइन करने की, मिनिमम हाइट विल बी 100 VH। तो आप देखो कि ये कलर इवनली एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले डिव ऑफ क्लास सेंटर क्रिएट करूँगा, मतलब स्टाइल करूँगा, जिसमें मैं देता हूँ पोजिशन विल बी एब्सोल्यूट, टॉप विल बी 50% आए, मीन्स आप टॉप से तो 50% यहाँ आ चुका है ये, एंड देन लेफ्ट से 50% मीन्स सेंटर में, बट ये एग्जैक्टली सेंटर नहीं है पेज का, तो इसलिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, -50% आए, -50% आए, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास एक है बटन, तो इस चीज़ को स्टाइल करने के लिए इसे कॉपी किया है एंड देन यहाँ पर लिखा बटन। बटन की विड्थ रखता हूँ मैं, लेट सपोज 150 पिक्सल। तो 150 पिक्सल स्टैंडर्ड है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी चीज़ ले सकते हो। पैडिंग देता हूँ मैं इसे 10 पिक्सल फ्रॉम ऊपर एंड नीचे से लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, जो कि बहुत जेन्युइन दिखेगा। बैकग्राउंड देता हूँ मैं इसे वाइट समथिंग, तो स्मोगी कलर है F5 F5।
एंड देन कलर देता हूँ मैं हैश 262626, मीन्स एक ब्लैक कलर। अब फॉन्ट साइज देने की बात आती है, तो 18 पिक्सल, एंड देन बॉर्डर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा जिसके सामने वाला है। देन यहाँ पर एक बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर विल बी नन, देन आउटलाइन विल बी नन। अब इसे करने से आप देख सकते हो ये कैसा दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ जब मैं अपने बटन को होवर करूँ, होवर मतलब होता है जब मैं इस पर अपना कर्सर लेकर आऊँ तो होगा क्या, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने होवर, बैकग्राउंड विल बी हैश 2626 एंड देन कलर विल बी हैश F5 F5 F5। तो अभी देखो यहाँ पर एक ट्रांजिशन दे देता हूँ 0.5 सेकेंड। आप देखो जब मैं इस पे ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं एक कर्सर पॉइंटर रख देता हूँ सो डैट जब हम इस पे ले जाएँ तो ये बदल जाए। तो आप देख सकते हो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं लॉगिन फॉर्म की, तो लॉगिन फॉर्म को पहले स्टाइल करने के लिए पॉपअप को स्टाइल करना पड़ेगा। तो पॉपअप को स्टाइल करने के लिए इसे कॉपी किया, एंड देन क्लास है तो डॉट यूज़ करना पड़ेगा। पॉपअप के अंदर मैं देता हूँ पोजिशन विल बी एब्सोल्यूट, पोजिशन एब्सोल्यूट, एंड जो मैंने अभी किया था जो चीज़ों का सेंटर आता है इस चीज़ को कॉपी करना है एंड देन यहाँ पेस्ट कर देना है सीधा। अब ये सेंटर आ चुका है, तो एक बैकग्राउंड देता हूँ वाइट, वाइट देने से आप देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये छोटा दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने यहाँ विड्थ मेंशन नहीं करी 380 पिक्सल। पैडिंग देता हूँ मैं इसे लेट सपोज 20 पिक्सल फ्रॉम ऊपर है नीचे से एंड 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से। तो बिल्कुल आप देख सकते हो अब कंटेंट कैसा दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर इसके बाद आप यहाँ पर एक बॉक्स शेडो ऐड कर सकते हो, बॉक्स शेडो होगी हमारी 0 फ्रॉम x एक्सिस 0 फ्रॉम y एक्सिस एंड देन 15 पिक्सल का ब्लर। RGBA की बात करते हैं तो 0000.3, तो एक बॉक्स शेडो आप देख पा रहे हो, रेस्ड बॉक्स शेडो आ रही है। एंड देन यहाँ पर आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो 10 पिक्सल का, जिससे इसके राउंड कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है अभी तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा, बट होपफुली अब मैं इसे और अच्छी तरह से स्टाइल करूंगा। इसके अंदर अब आ चुके हैं, तो पहले हम बात करते हैं अपने क्लोज बटन को स्टाइल करने के लिए। तो क्लोज बटन के लिए यहाँ पर डॉट एंड देन क्लोज बटन, इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ मैं करना चाहूँगा वो है इसे पोजिशन एब्सोल्यूट देना, एंड देन मैं बताऊँगा टॉप विल बी 10 पिक्सल। तो आप देखो कि ये कहाँ आ चुका है, समथिंग इधर, एंड देन आप इसे दे दो राइट विल बी 10 पिक्सल। तो इधर आ चुका है जहाँ पर हम ये एडिट ऑप्शन आता है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो होगा कर्सर विल बी डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट किस लिए, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर चेंज ना हो। एंड देन इसकी मैं विड्थ डिफाइन करता हूँ 15 पिक्सल, एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो हाइट एंड विड्थ सेम रहेंगी भाई। अब एक बैकग्राउंड देता हूँ सिंपल सा हैस 555 एंड देन कलर विल बी हैस F5 F5 F5। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी ये सेंटर नहीं आया है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर कर दूंगा। देन इसके बाद एक होता है हमारे पास लाइन हाइट, जो आप लाइन हाइट देना चाहते हो तो दो, बिकॉज ये अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर मैं इसकी बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल कर सकता हूँ, बट 50% रखूंगा बिकॉज ये सर्कुलर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रांजिशन दूंगा 0.5 सेकेंड का, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो। तो उस चीज़ को करने के लिए इसे कॉपी किया एंड देन यहाँ पर लिखा होवर। बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड मैं दूंगा हैश ई एंड देन कलर विल बी हैश 262626, सॉरी 26। अब देखो जब मैं इसे होवर करता हूँ देन इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हो। ये बहुत माइन्यूट चीज़ थी जो आपको समझ में आई, तो बहुत अच्छी बात है। देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक मैं हेडिंग क्रिएट करता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर, फॉन्ट साइज विल बी लेट सपोज 27 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहा। एंड देन कलर आप देना चाहो तो आप कलर दे सकते हो, तो मैं कलर रखता हूँ हैश 555, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड है। टेक्स्ट अलाइन विल बी सेंटर हो चुका है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स हर एक वर्ड कैपिटल हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देन फॉन्ट वेट देना चाहो तो दे सकते हो 500, जिससे ये थोड़ा लाइट दिखाई देगा, बट अभी के लिए मेरा लाइट से काम नहीं चल रहा तो इसे मैं 6 ही रखूंगा बिकॉज थोड़ा बहुत सही दिखता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप लेटर स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, मीन्स हर एक वर्ड के अंदर कितना स्पेस हो। तो मैंने पिक्सल में दिए इसकी वैल्यू, आप थोड़ा बहुत चेंज महसूस कर पाओगे। देन आगे बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनके बीच में थोड़ा गैप हो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन 15 पिक्सल 0, तो ऊपर नीचे से 15 पिक्सल एंड साइड से 0 पिक्सल हो गया। अब आगे बात करते हैं, जो ये हमारा इनपुट है इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है, तो अब फॉर्म एक लेयर बाय लेयर कर रहे हैं एंड देन फॉर्म एलिमेंट, तो यहाँ पर ELEMENT। एंड देन इसे स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं इसे विड्थ दे देता हूँ
विड्थ रहन देते हैं, सीधा फॉर्म के अंदर मैं लेबल कर दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ लेबल, तो लेबल को स्टाइल करते हैं। लेबल के अंदर मैं देता हूँ डिस्प्ले विल बी ब्लॉक। तो ब्लॉक से होगा क्या कि ये पूरी अपनी एंटायर चीज़ें मतलब अपने आप को एक सुपीरियर लेवल मान रहे हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लॉक दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, फॉन्ट साइज विल बी 15 पिक्सल समथिंग, एंड देन उसके बाद मार्जिन हो इनका 5 पिक्सल ऊपर नीचे से एंड 0 लेफ्ट एंड राइट से। तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। अभी इसके बाद इस चीज़ को मैं डबल करता हूँ, डबल करने के बाद यहाँ पर आएगा मेरा इनपुट। इनपुट पहला इनपुट जो मैं देना चाहूँगा वो होगा मेरा ईमेल टाइप के लिए। तो इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, सीधा यहाँ जाके पेस्ट किया, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन फिर इस चीज़ को डबल किया। डबल करने के बाद आप देख सकते हो ये कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। एंड देन पासवर्ड, अगली हम स्टाइल करेंगे अपने पासवर्ड को, तो पासवर्ड के लिए यहाँ सीधा ये आ चुका है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर सीधा विड्थ विल बी 100%, जितनी विड्थ इसे मिल रही है। ये सारी चीज़ें अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी देखो आप कैसा ओवरव्यू दिख रहा है। पैडिंग देता हूँ मैं इसे 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, नहीं ऊपर नीचे से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0, एंड देन आप पैडिंग पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो, जो लेफ्ट काम किया 10 पिक्सल, बिकॉज जो इसका अंदर की जो चीज़ है ना, जो ये फॉन्ट फैमिली वाला वो है ना। अब यहाँ पर आप बॉर्डर दे सकते हो कितना भाई, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे या फिर हैश ई सही रहेगा। एंड देन यहाँ पर और चीज़ें जो आप बात करो, तो एक आउटलाइन आ रहा है, तो आउटलाइन मैं कर देता हूँ नन। बहुत ही सिंपल रखा है इस लॉगिन फॉर्म को अभी के लिए। एंड देन आप कुछ और होवर इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो दो इनपुट टैग के बीच में डिफरेंस हो, तो मार्जिन फ्रॉम बॉटम विल बी लेट सपोज 20 पिक्सल। सो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चुका है। अब स्टाइल करते हैं अपने इस चेक बॉक्स के लिए। तो चेक बॉक्स को मैं इस चीज़ को डबल करता हूँ, एंड देन इसके बाद यहाँ पर जो मेरा ये लेबल है, लेबल के अंदर मेरे पास एक है टाइप चेक बॉक्स। तो आप देख पा रहे होगे कि ये मेरे पास फॉर रिमेम्बर है। इस चीज़ से मैं इसे कॉपी करूँगा, एंड देन यहाँ पर फॉर में टाइप यहाँ पर लिख दिया। अब इसे डिस्प्ले ब्लॉक की जगह इन लाइन कर दूंगा, इन लाइन। तो इन लाइन से होगा क्या कि ये एक लाइन में आ चुके हैं। देन मैं चाहता हूँ कि जो इनका मार्जिन है ना वो कैसे रहे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन फ्रॉम जो हमारा बायां हाथ है, तो लेफ्ट विल बी 5 पिक्सल। तो आप देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है ना। एंड देन मैं चाहता हूँ कि अब सबमिट बटन को स्टाइल करो। तो सबमिट बटन को स्टाइल करने के लिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके जस्ट पेस्ट किया। कोड थोड़ा बड़ा ही हो रहा है बेशक, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ तो मैं अपनी पिछली से 2 वीडियो में कर ही रहा हूँ, बट आगे बताऊँगा ये क्यों कर रहा हूँ। विड्थ विल बी 100%, मतलब जितनी विड्थ है उतनी ले लो। मार्जिन विल बी 10 पिक्सल 0, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। पैडिंग की बात करते हैं तो सॉरी पैडिंग की बात करते हैं 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज की बात करते हैं 18 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाए, जिससे हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा। एंड देन बैकग्राउंड बात करते हैं, एक बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा दे देते हैं अभी के लिए। हैश 55 सही रहेगा क्या? हैश 226, मेरी तरफ से हैश 226 देना बढ़िया रहेगा। कलर विल बी वाइट, एंड देन बॉर्डर विल बी नन, आउटलाइन विल बी नन। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। आप कुछ और चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, बिकॉज मैं इसके राउंडेड कॉर्नर चाहता हूँ 5 पिक्सल के। एंड देन एक बॉक्स शेडो आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, 0 फॉर्म x-एक्सिस 0 फॉर्म y-एक्सिस 10 पिक्सल की शेडो। एंड देन मैं RGB की बात करता हूँ तो बहुत ही कम रखूँगा इसके लिए, 0.15 समथिंग, तो तब भी आप शेडो देख पा रहे होगे। अब मैं चाहता हूँ एक होवर क्रिएट करूँ इस चीज़ के ऊपर, तो इसे सीधा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सॉरी यहाँ पर आपको लिखना है होवर, बिकॉज होवर मतलब होता है आज जब किसी चीज़ पे कर्सर लेके जाते हो। तो कर्सर ले जाने पे क्या हो, जो मेरा बैकग्राउंड है वो हो जाए सिंपल F5 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 समथिंग, एंड देन कलर हो जाए H2626 H2626 26 26, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ सो दैट थोड़ा टाइम डिले हो। तो आप देखो कि सॉरी अरे 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 यार कोई नहीं,
अब इसे एक बार ओपन करने के बाद CTRLALIVE बिकॉज वो सबमिट हो चुका है बटन। तो आप देखो कि ये देख रहे हो जब मैं इसे होवर कर रहा हूँ। अब सीधा एंकर टैग को बात करते हैं, तो वही गलती होगी। कभी आप कहो कि यार क्या कर रहा है, पढ़ाई ले है ना, तो इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट एंकर टैग को स्टाइल करते हैं। एंकर टैग की बात करते हैं, सबसे पहले जो ये मेरा लॉगिन फॉर्म है इसमें मैं चाहता हूँ डिस्प्ले कर दूँ मैं ब्लॉग, सो डैट मैं इसे उस तरफ मूव कर सकूँ, टेक्स्ट अलाइन विल बी राइट। अब वहाँ आ चुका है। कलर मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, अब सोच लो क्या कर सकता हूँ। 03A9F4 है ना, तो एक सिंपल सा रखा है मैंने। फॉन्ट साइज विल बी 17 पिक्सल, एंड देन उसके बाद मैं जो चाहूँ तो इसमें क्या और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ वो हो सकता है। टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन, नन से होगा क्या, अंडरलाइन मिट जाएगा अभी के लिए है ना। और आप चाहते हो कि वो मेंटेन रहे तो उसके आप ऐसे कर सकते हो होवर करने पे, सॉरी होवर HOVER होवर करने पे क्या हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए अंडरलाइन। अंडरलाइन होने से क्या होगा, देखो जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। एंड देन यहाँ पर आप ट्रांजिशन ऑफ 0.2 सेकेंड कर सकते हो। तो देखो जब मैं इसे होवर कर रहा हूँ देन आ चुका है। ये बेसिक हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब सीधा इसके लॉजिक की बात करते हैं मार्कअप में है ना। तो यहाँ पर आप टोटल ध्यान दो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट है ना, यहाँ पर कुछ नाम होगा एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर की मदद से मैं हर चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले होगा मेरा ये ID लॉगिन फॉर्म, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो वेरिएबल आपको पता है कि बीच में ये कबाब केस नहीं चलता, तो इसे अंडरस्कोर क्रिएट किया है स्नेक केस। एंड देन इसके बाद ये एक आईडी है तो हैश एंड देन फॉर्म। अब सीधा लॉजिक जो बनेगा है ना, तो इस चीज़ को मैं दो तीन बार कॉपी किया है। तीन बार क्यों कॉपी किया है मैं बताऊंगा आपको। सीधा पहले इस चीज़ को जो हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं बेसिक के लिए वो क्रिएट कर लेते हैं। तो अरे गलत हो गया है ना, सॉरी CTRL Z। एंड देन इसके अंदर मैं चाहता हूँ डॉट पॉपिंस, ये सेलेक्ट हो चुका है। एंड देन आखिरी बचता है हमारा ये क्लोज बटन, तो इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको डॉट बटन के लिए तो क्लास है तो डॉट एंड देन BTN, तो क्लोज बटन के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ क्लोज BTN बट यहाँ अंडरस्कोर। तो ये तो बेसिक वेरिएबल चाहिए जिन्हें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब CSS की बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या एनिमेशन लगेगी इस चीज़ के अंदर, तो ये मेरा पॉपअप है, इसमें जो मैं टॉप क्या करूँ अभी के लिए तो 50% है ना, तो यहाँ पॉपअप होगा मेरा एंड देन डॉट एक्टिव कर देता हूँ एक्टिव। आप एक्टिव की जगह कोई और सी क्लास भी कर सकते थे। तो टॉप करता हूँ मैं 50%, तो 50% यहाँ देखो यहाँ करूँगा मैं -150%, तो होगा क्या कि मेरे को मेरा लॉगिन फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा वो बिकॉज ये ऊपर की साइड चला गया है। देन यहाँ पर मैं रखता हूँ एक स्केल जिसमें मैं रखूँगा 1.25 एंड देन एक ट्रांजिशन दे देता हूँ, ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड। एंड देन इसके बाद जो मेरा आगे बात करते हैं यहाँ पर जो ये ट्रांसफॉर्म वाला थिया इस चीज़ को कॉपी करना। एंड देन यहाँ पर जो स्केल है उसे मैं सिंपल 1 रखूँगा। एंड देन आगे बात करते हैं ओपेसिटी विल बी 0 एंड देन इनिशियली 0 रहेगा, जब क्लिक करने के बाद जब एक्टिव क्लास जुड़ जाएगा देन मैं रखूँगा इसे 1। तो ये था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। तो पता की बात नहीं है, मैं बताऊंगा ये मैंने ऐसा क्यों सोचा है ना और क्या रीज़न था। तो आप देखो जब मैं ये मेरा ये जो चीज़ है साइन इन है ना, तो साइन इन अंडरस्कोर मीन्स ये जो मेरा बटन है, जब मैं इस पर एक ऐड इवेंट लिस्ट में होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ देन इसमें क्या हो, तो मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ जिसके अंदर क्या लिखा है कि जो आपका पॉपअप है उसमें आप क्लास लिस्ट एक ऐड कर दो। ऐड क्या कौन सी कर दो भाई, एक्टिव। तो मैं यहाँ पर सीधा पेस्ट कर दी वो क्लास। तो आप देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देन उसके बाद सॉरी यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट ऐड नहीं करी, तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC एंड देन .main.js। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा लॉगिन फॉर्म ऊपर की तरफ से आया है। अब इसे क्रॉस करने पे भी काम करना चाहिए, तो इस चीज़ को आपको डबल करना है। डबल करने के बाद क्लोज बटन को जब मैं क्लिक करूँ देन ये फंक्शन चलेगा जिसमें पॉपअप डॉट यहाँ पर हो जाएगा रिमूव क्लास एक्टिव। तो ये देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा लॉगिन फॉर्म आ रहा है एंड क्रॉस करने पे जा रहा है। तो ये था इसका बेसिक। अब इसके पीछे मैं एक और अच्छी चीज़ ऐड करता हूँ जो मेरा यहाँ पर एक है ट्रांजिशन। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड रखा एंड देन यहाँ पर भी मैंने 0.5 सेकेंड रखा। तो होगा क्या, तो देखो पहले मैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक सिंपल लेआउट लेआउट जा रहा है ना, बट मैं इसे अब एडवांस ले जाता हूँ। तो इसमें मैं कहता हूँ कि जो टॉप है ना,
तो यहाँ पर शुरू होगा पहले, है ना, जो मेरा टॉप है, टॉप मतलब जो 150 है उसमें सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन देता हूँ इसे 0 मिली सेकेंड, जिसमें मेरे पास होगा इज इन आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इज इन आउट, और जिसके अंदर मैं टाइम डिले रखता हूँ 200 मिली सेकेंड का। तो ये लास्ट में टाइम डिले है और ये ड्यूरेशन है। देन इसके बाद इस चीज़ को कॉपी करना है, सेमी कॉलम से इसे डिफ्रेंशिएट एंड देन एंटर, एंड देन एक बार सेमी कॉलम से देन एंटर, सॉरी एक एंटर करके बस। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ओपेसिटी की बात करते हैं, ओपेसिटी के ये एंड देन ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं यहाँ से चलूँगा 200 मिली सेकेंड, एंड देन यहाँ पर जो होगा वो होगा 0 मिली सेकेंड, यहाँ पर भी सेम है 0 मिली सेकेंड, एंड देन ओपेसिटी की जो सेकेंड रखूँगा वो होगा 20 मिली सेकेंड। एंड देन इस चीज़ को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा जो ये चीज़ है उसको मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा अगेन, एंड देन बाकी चीज़ें सेम है। तो आप कहोगे यार इसका असर क्या पड़ा, तो देखो जैसे मैं इसे क्रॉस करता हूँ देन एक बूम मतलब लार्ज होके छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये था लॉगिन फॉर्म जो कि हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने या सीखने को मिला हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, जिससे मेरी फैमिली बड़ी हो मतलब यूट्यूब फैमिली, और मैं जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।